दोस्तों आज हम बात करने वाले एक बेहतरीन से प्लान के, इसे विला डिजाइन भी बोल सकते हैं। ट्रेडिशनल हाउस डिजाइन है जो पुराने जमाने में आप घर देखा करते थे। अगर आपके पास अच्छा खासा पैसा है और आप ऐसे मॉडल चाह रहे हैं, जैसा कि आपने हमारा थंबनेल देखा होगा, काफ़ी खूबसूरत मॉडल होते हैं और यहाँ पर मैंने साइज, रूम के साइज वगैरह काफ़ी बड़े रखे हैं। फ्रंट एलिवेशन आपको ए टू जेड सारी डिटेल आज हम बताने वाले हैं, तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा जिससे आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएं। और अगर आप इसका 2D प्लान डाउनलोड करना चाहते हैं, रूम का साइज़ क्या है वगैरह, तो आप हमारी वेबसाइट स्मॉल हाउस प्लान पर विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज का मॉडल बहुत ही खूबसूरत होने वाला है, तो वीडियो आप पूरा देखिएगा। आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, जहाँ पर आपको लेटेस्ट एंड अपडेट लगातार मैं देता रहता हूँ। तो चलो आज के मॉडल को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, पूरा ओवरऑल प्लान आपके सामने मैं डिस्कस करने वाला हूँ। काफ़ी खूबसूरत प्लान आपको दिख रहा होगा। इसमें मैंने कलर जो कॉम्बिनेशन दिया है, वाइट और ब्लू का ज़्यादा कॉम्बिनेशन दिया है। आप देख सकते हो ये मकान पूरा आपका चारों तरफ से ओपन है, मतलब कि आपकी चारों तरफ जगह है। इस वजह से मैंने विंडो और वेंटिलेशन चारों तरफ से दिया है, जिसमें आप कोई भी दिक्कत ना हो वेंटिलेशन का, आपको हवा वगैरह प्रॉपर मिलता रहे। और फ्रंट की बात करें तो काफ़ी खूबसूरत आपको एक महल टाइप का जो पहले डिज़ाइन बना करते थे उस टाइप का मैंने दिया है। और काफ़ी लोगों का रिक्वायर्ड था कि एक बेहतरीन सा डबल स्टोरी हाउस प्लान दीजिए। तो ये इसका मेन डोर होने वाला है और मेन डोर, इसके बाद दोनों तरफ विंडो है, जो कि मैंने प्रॉपर तरीके से विंडो को भी फ्रेम में कवर्ड किया है और ऊपर आपका स्लोप वाला जो रूफ है उसे भी कवर्ड किया है। ऊपर भी आपको विंडो वगैरह देखने को मिलेगी। तो इसी मॉडल को आज हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर तरीके से। तो मॉडल अगर आप ये बनवाना चाहते हैं, मैं इसका कॉस्ट भी आपके सामने मेंशन करेंगे, इसका साइज भी मेंशन करेंगे, सिर्फ आप वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर दें। बात करते हैं इसके ग्राउंड फ्लोर की। तो ये दोस्तों ओवरऑल ग्राउंड फ्लोर है। ये आपको फ्रंट के दो पिलर जो साइड में हैं आपको लंबे दिख रहे हैं, तो आप उसे इग्नोर करिएगा क्योंकि वो मैंने एक साथ बना दिए हैं। अब आपके सामने ये देखिएगा पिलर यहाँ पर बने हुए हैं और ये एक काफ़ी बड़ा, ये जो मेन गेट है ना, ये काफ़ी बड़ा यहाँ पर ये राउंड शेप में बना हुआ है, जहाँ से मेन डोर से एंट्री करेंगे। ये विंडो का डिज़ाइन है दोस्तों, आप देख सकते हैं, और ग्लास का विंडो यहाँ पर दिया है। पीछे रेड कलर के आपके कर्टेन, मतलब कि पर्दे टंगे हुए हैं, और यहाँ पर येलो कलर का पर्दा आपका लगा हुआ, इस वजह से आपको ऐसा दिख रहा होगा। साइड की बात करें तो आपको यहाँ पर जहाँ पर विंडो रिक्वायर्ड हो सकती थी, जहाँ पर लग सकती थी, मैंने दिया है, और जहाँ पर वेंटिलेशन के लिए विंडो देना था वो भी दिया है। तो बात करते हैं इसके अंदर के। तो सबसे पहले आप जैसे एंट्री करते हैं तो आप एक बड़े से हॉल में आ जाते हैं दोस्तों की। जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये एक ट्रेडिशनल हाउस डिज़ाइन है, ट्रेडिशनल जो पुराने ज़माने के घर होते थे। तो आपको एक बड़ा सा कोठी देखने को मिलेगा, आप इसे कोठी बोल सकते हैं, और स्टेयर्स को मैंने यहाँ से कवर किया, इससे आप ऊपर जाएंगे। इस कोठी, ये कोठी का साइज काफ़ी बड़ा है दोस्तों, और ये आपका एक गेस्ट रूम है, जिसको मैंने यहाँ पर, आप यहाँ पर दोनों तरफ से मैंने विंडो दिया था। इसके लिए ये डोर है, इस गेस्ट में अपने सभी गेस्ट को यहाँ पर एडजस्ट कर सकता हूँ। इसी गेस्ट रूम से होते हुए ये मैंने अटैच लेटेंट बाथ बनाया है, हालांकि बेडरूम से मैंने डोर नहीं दिया है, इसका डोर मैंने हॉल से दिया है लेटेंट बाथ को एक्सेस करने के लिए। तो ये वाला एरिया आपका पूरा सेपरेट हो जाता है, हॉल और आपका ये लेट बाथ और गेस्ट रूम। इसके बाद अंदर आप जैसे एंट्री करते हैं, इस डोर से आपको अंदर जाना होगा, और अंदर जाते ही ये फिर से आपको एक ओपन स्पेस मिलता है, और इस कॉर्नर पर आपको दो बेडरूम देखने को मिल रहे होंगे, ये देख सकते हैं ये दोनों बेडरूम। इस बेडरूम में जाने के लिए दो डोर दिए हैं मैंने, एक आप हॉल से भी एंट्री कर सकते हैं और एक आंगन से भी एंट्री कर सकते हैं इस वाले ओपन स्पेस से। कॉर्नर वाले बेडरूम की बात करें तो आपको इस तरह से ही जाना होगा। वहीं बात करें इसकी, तो ये आपका एक बड़ा सा किचन मैंने दिया है, पीछे विंडो दिया है वेंटिलेशन के लिए। इस कॉर्नर पर भी एक बड़ा सा आपको मास्टर बेडरूम देखने को मिलेगा, जो कि साइज काफ़ी बड़ा है। ये एक लेट एंड बाथ मैंने और दे रखा है। तो इस घर की अगर हम बात करें तो दो लेट बाथ और आपको चार कमरे, जो कि जिसमें कि एक मास्टर बेडरूम इंक्लूड है, किचन इंक्लूड है, और ये वाला एक ओपन स्पेस इंक्लूड है। वहीं इसकी बात करें तो यहाँ पर आपको एक बड़ा सा कोठी का डिज़ाइन देखने को मिलता है, बड़ा सा हॉल देखने को मिलता है, कोई भी फंक्शन वगैरह आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये ग्राउंड फ्लोर का एरिया बनकर आया है दोस्तों। मैं फिर से आपको बताना चाहूँगा, अगर आप इसका 2D प्लान डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप अपने मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप पर अपना कोई भी ब्राउज़र ओपन करें। ब्राउज़र अब आपको लिखना है स्मॉल हाउस प्लान। दोस्तों इसमें स्पेस बिल्कुल नहीं देना है, प्लान में लास्ट में ई ज़रूर बनाना है।
जैसा ही ऐसे आप सर्च करेंगे तो आपको देखिए ये वाला आइकन दिखेगा, इस वाली वेबसाइट पर जाना है। लिंक आप नोट कर ली, क्योंकि हो सकता है आप किसी और की वेबसाइट पर चले जाएं, तो smallhouseplant.com। स्मॉल की स्पेलिंग सिमिलर है हाउस और प्लान, बस इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करते ही आप इस वेबसाइट पर आ जाएंगे और यहाँ पर आपको देखिए कि जो मैं मॉडल डिस्कस कर रहा हूँ ना, इसका पूरा डिटेल A to Z डिटेल दिया है, इसका PDF फॉर्मेट भी दिया है जिसमें आपको 2D मॉडल का सारा डिटेल दिया है। आप इसको ओपन करेंगे तो सारा डिटेल, रूम का साइज वगैरह सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। तो आप इस मॉडल को यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, और भी आपको बहुत सारे मॉडल हमारी वेबसाइट पर मिलेंगे दोस्तों, देख सकते हैं अलग अलग टाइप के, तो एक बार इस पर जरूर विजिट करें। तो ये आपका ग्राउंड फ्लोर हो गया। बात करते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर की। तो फर्स्ट फ्लोर पर आप जैसे पहुंचते हैं तो सबसे पहले मैं आपको टॉप व्यू दिखा देता हूं। ये देखिएगा पीछे का एरिया पूरा सेम है जैसा ग्राउंड फ्लोर था, दोनों बेडरूम, किचन, ये मास्टर बेडरूम, आंगन, ये लीड बाथ। इसके बाद इधर आपके हॉल में कुछ चेंजमेंट होता है, ये वाला गेस्ट रूम भी वही सिमिलर है। आपका आगे थोड़ा सा मैंने चेंजमेंट कर दिया, यहाँ पर जो आपका लेट बाथ था उसको मैंने बेडरूम में कन्वर्ट कर दिया है, और ये यहाँ पर स्पेस बालकनी मैंने निकाल दी है। फ्रंट आप देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, दोनों साइड ये बालकनी आपकी निकली है। बालकनी में आने के लिए इधर से भी डोर है और इधर से भी डोर दिया हुआ है। ये आपका बेहतरीन सा लुक जो ग्राउंड फ्लोर में था वही, और ये पिलर आपके आगे बढ़ गए हैं, और ये ग्रिल का डिज़ाइन भी आप देख सकते हैं। तो ये कुछ चेंजमेंट हुआ है, आप देख पा रहे होंगे बेहतरीन सा मॉडल आपका ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर बनकर रेडी होता है। लास्ट फ्लोर की बात करें तो 3.5 फीट का बाउंड्री वॉल चारों तरफ, और इसके बाद एक बेहतरीन सा ग्रिल, और उसमें सारी डिजाइन फुलफिल करता हुआ ये मॉडल आपके सामने मैंने पेश किया। अब इसके हम साइज की बात कर लेते हैं। इसका साइज 246x50 46x50 में बना हुआ है। 46 फिट इसका फ्रंट है और 50 फिट इसकी गहराई है। ये पूरा मॉडल इसी पर मैंने बना रखा है। अब इसके लागत की बात करते हैं। काफ़ी लोग पूछते हैं कि सर आप इसकी अनुमानित कीमत ज़रूर बताया करें। तो मैं आपको इस प्लान की अनुमानित कीमत भी बताने वाला हूं। तो इसके मॉडल की अगर हम कीमत की बात करें जैसा बना हुआ है, तो लगभग आपको 50 लाख रुपये खर्च करने होंगे, क्योंकि ये एरिया बहुत ही बड़ा है। 46x50 लगभग 2400 स्क्वायर फुट एरिया है। इसके बाद डबल स्टोरी मकान बना है, और ट्रेडिशनल हाउस जो कि इसकी फिनिशिंग और डिजाइनिंग है वो थोड़ी सी कॉस्टली पड़ती है। तो 50 से 55 लाख रुपए तक आप इस मॉडल में लगाइएगा, तब आप ऐसा सिमिलर प्लान बना पाएंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आते हो तो हमें प्यार ज़रूर दीजिएगा। आप वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें। इंस्टा, फेसबुक या टेलीग्राम पर भी फॉलो कर लें, सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। आप हमारे एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पर आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।